हेलो फ्रेंड, मैं अर्शद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो बेलन से रिलेटेड है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 924 स्क्वायर क्यूब मीटर है या फिर मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है। फ्रेंड, फॉर्मूला से रिलेटेड ही है, उससे उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है आपका कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू दिया गया है और उसका आयतन दिया गया है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता है और त्रिज्या और ऊंचाई नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि कोई एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा तो। इसके आधार पे भी इसमें भी त्रिज्या यानी आर और एच दोनों का वैल्यू आता है, तो आर और एच दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाला जा सकता है अगर एक का वैल्यू दिया हुआ होता तो। ऐसे केसेस में यहाँ पे दो इक्वेशन इसलिए दे दिया गया है ताकि आप दोनों का एटलीस्ट रेशियो निकाल सके। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे और जिसका रेशियो पूछा जा रहा है उसका वैल्यू दोनों से इक्वेशन बनेगा उसके आधार पे उसका रेशियो उसका वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे, भले ही एग्जैक्ट वैल्यू ना आए। जैसे यहाँ पे शुरू में दिया गया है वक्र पृष्ठ का वैल्यू दिया गया है, वक्र पृष्ठ सिर्फ लिखा हुआ है तो समझ जाइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πRh इसका ये फॉर्मूला होता है और इसका वैल्यू दिया गया है कितना, तो 264 दिया गया है। तो इसके आधार पे देखिए पाई का वैल्यू कभी भी आप रेशियो का जब भी क्वेश्चन रहेगा आपका मेंसुरेशन में रेशियो इंक्लूड किया हुआ रहेगा, तो पाई का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगा तो पुट करेंगे, अदरवाइज पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है अभी हमें आगे पता चल जाएगा। हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो हमें व्यास का वैल्यू चाहिए और ऊंचाई का वैल्यू चाहिए। तो ये कब निकाला जा सकता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, जब दो इक्वेशन दिया गया है तो कोई एक वैल्यू को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एच का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 264 डिवाइडेड बाई, ये सब मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2πR आपका इधर डिवाइड में हो गया। तो एक तो एच का वैल्यू ये हो गया। अच्छा, साथ में ये भी तो कह रहा है ना कि πR स्क्वायर एच का वैल्यू 924 है, ये भी तो क्वेश्चन कह रहा है कि आयतन कितना है, आयतन बराबर ये होता है ना, तो आयतन का वैल्यू 924 है, तो इसके आधार पे भी तो एच का वैल्यू निकल सकता है ना, कि एच इक्वल टू कितना होगा, तो 924 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अब फ्रेंड आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो एज का वैल्यू दो अलग अलग अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एज का दो अलग अलग वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया एक ही बेलनाकार फिगर है, यानी एक ही बेलनाकार स्तंभ है आपका, यानी दोनों ऊंचाई आपका सेम ही है। अगर ये भी फॉर्मूला, अगर 264 भी आपका सही कैलकुलेट किया गया है और 924 भी सही कैलकुलेट किया गया है, तो इसका मतलब दोनों के आधार पे जो ऊंचाई का वैल्यू है वो इक्वल पुट किया गया होगा। यहाँ भी इसका वैल्यू सेम पुट होगा, यहाँ भी सेम पुट होगा, तो आप ऐसे इसके आधार पे कह सकते हैं कि h इक्वल टू h, यानी दोनों केसेस में h इक्वल टू h हो जाएगा आपका, दोनों केसेस में क्या होगा, h इक्वल टू h हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या बोल सकते हैं कि 264 बटे 2πR ये किसके इक्वल है, तो 924 बटे पाई आर स्क्वायर के बराबर है। इसी के बराबर ना होगा, क्योंकि दोनों एच आपका क्या है, इक्वल है, दोनों एक ही फिगर का जब ऊंचाई है, तो जब एक ही फिगर का ऊंचाई है तो दोनों का तो ऊंचाई सेम ही रहेगा। तो ऐसे केसेस में देखिए यहां से देखिए पाई पुट ना करने से क्या फायदा हुआ, अगर आप यहां पे पाई पुट करते तो आपको काट छाट करना पड़ता, इसको सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहां पे क्या हो गया कि देखिए पाई से पाई आपका कट जाएगा, इक्वल है बीच में तो सामने सामने का पार्ट कट जाता है, यहां दो आर है और यहां एक आर है, तो एक आर से एक आर को तो आप काट दीजिए, तो एक ही आर यहां पे बचा, तो क्या अब आर का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, अब तो आर का वैल्यू निकल जाएगा ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दो से इसको काट देते हैं, दो एकम दो, दो तियाई छः और दो दुना चार, दो से अगर देखा जाए तो सात बार में कट सकता है,
तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 1 = 22, 9, 8, ठीक है, 7 times में ये कट गया। तो इसके आधार पे आपका r का वैल्यू, देखिए एक r यहाँ पे बचा हुआ था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है तो r इंटू 1 r होगा, और 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो r का वैल्यू आपको पता चल गया फ्रेंड कि r का वैल्यू कितना है, तो 7 है। अब r का वैल्यू आप इसमें या इसमें, आपको रेशियो किसका निकालना है, तो व्यास और ऊंचाई का रेशियो निकालना है। तो r का तो वैल्यू पता चल गया, तो इसके आधार पे व्यास निकल सकता है। व्यास अगर निकालना है तो व्यास बराबर क्या होता है आपका, तो व्यास बराबर होता है जस्ट त्रिज्या का डबल, यानी 2 × 7 = कितना हो गया, 10 हो गया। अब उसके बाद आपको h का वैल्यू चाहिए, तो h का ये भी वैल्यू सही है आपके हिसाब से, और ये भी सही है, तो दोनों में से किसी में भी पुट कर लीजिए, आपका आंसर सही ही आएगा। तो h का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू 264/2 गुना पाई का वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, 22/7 पाई, और r का वैल्यू कितना आ गया है आपका, 7 आ गया है, तो 7 से 7 तो कट जाएगा आपका, 22 से देखते हैं डायरेक्ट काट करके, 22 = 22 और 22 × 2 = 44, 2 से 2 = 12, यानी h इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो h का वैल्यू आपका 6 आ गया है। आपको वैल्यू किसका अनुपात निकालना था, तो व्यास अनुपात ऊंचाई, व्यास कितना है 10 है, व्यास आपका कितना है 10 है, और ऊंचाई कितना निकल गया आपका, 6 निकल गया, तो यानी इसको चाहे तो आप और छोटा कर ले, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी 5:3, यहाँ पे किसी का नहीं है, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, इसका 10 हो गया व्यास का वैल्यू, बिल्कुल सॉरी 10 नहीं 14 होगा ना जी, 14, ये आपका 14 हो गया, तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6, यानी 7:3 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे अगर h का वैल्यू, अगर r का वैल्यू इसमें भी पुट करते तब भी h का वैल्यू आपका 6 ही आता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन भी सही है और ये इन्फॉर्मेशन भी सही है, तो दोनों में से किसी में भी h का वैल्यू निकालते हैं तो आपका वैल्यू वही आएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा एक मरतबा हम आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए इसका वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे h का वैल्यू कितना आया, 924/2 कितना है पाई है, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 होगा, गुना आर का वैल्यू क्या आया है, तो आर का वैल्यू 7 आया है, तो 7 का स्क्वायर को आप 7 × 7 भी लिख सकते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से अगर इसको काटेंगे, 7 × 7 बच गया 2, 7 × 21, 7 × 2 = 14, 22 से अगर इसको काटते हैं तो 6 बार में डायरेक्ट कट जाएगा आपका, यानी कितना आ गया, तो यहाँ पे भी h का वैल्यू कितना आ गया, 6, इसमें भी पुट किए थे तो कितना आया था, 6 ही आया था। तो इस आधार पे आप किसी में भी पुट करेंगे h का वैल्यू तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है कि 1 cm व्यास और 8 cm लंबी एक तांबे की छड़ को, सॉरी 1 cm व्यास और 8 cm लंबी एक तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो तार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड एक बात हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग, फिगर चाहे जैसा भी हो, मान लीजिए एक बेलनाकार फिगर है, उसको पीट पीट के चाहे जैसा भी आकार दे दें, वो जो एरिया जो पहला वाला फिगर ड्रॉ कर जितना एरिया ले रहा था, जितना आयतन ले रहा था, उतना ही आयतन दूसरा वाला फिगर भी लेगा, क्योंकि मान के चलिए कि ये एक आपका डस्टर है, यहाँ पे अगर इसको हम दूसरा आकार देना चाहें, ना अलग से कोई मटेरियल इसमें बढ़ाना है और ना ही इसमें से कुछ वेस्ट करना है, तो ये इधर अगर इसको हम चपटा करेंगे, इसको दोनों तरफ से दबाएंगे, अगर ये लचीला चीज है तो ये क्या होगा, दब करके पतला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आयतन कम होना चाहिए, लेकिन कम कैसे होगा, अगर ये पतला होगा तो आपका ऊंचाई तो बढ़ेगा ना, जिस हिसाब से ये पतला होते जाएगा उसी हिसाब से ये बड़ा होते जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या मानना होता है, इनफैक्ट अगर ये आपका, मान के चलिए ये आपका देखा जाए तो ये डस्टर आपका आपका घनाकार है, तो अगर ये आपका घनाकार है तो, और इसको अगर शंकु बनाना है तो शंकु भी बनाएंगे, चाहे जैसा भी आकार देंगे इसको, चाहे शंकु आकार दे दे या बेलनाकार दे दे या गोलाकार दे दे, आपका आयतन क्या होगा, हर केस में सेम ही रहेगा, जितना आयतन इसका है उतना ही आयतन इससे बनने वाला दूसरा फिगर
होगा या इससे बनने वाला दूसरा मटेरियल होगा सेम मटेरियल से अगर यूज किया गया है तो यहां पर भी तो वही कॉन्सेप्ट आपका लागू हो रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है कि उसी देखिए यहां पे 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ है, तो छड़ कैसा होता है, बेलनाकार होता है, राउंड पूरा होता है ना, गोल एकदम क्या होता है ये कि, तो छड़ आपका एक तरह से कह लीजिए कि बेलनाकार ही होता है। अगर खींच के इसको कितना भी लंबा कर दिया जाए तो यहां पे देखिए यहां पे बोला गया है एक समान व्यास। एक समान व्यास का यहां पे ये मतलब नहीं है कि 1 सेंटीमीटर व्यास इसका है तो 1 सेंटीमीटर व्यास इसका भी होगा, ये नहीं कहा गया है। यहां पे एक समान व्यास मतलब कि ऐसा खींचा गया कि निचले हिस्से में जितना जितना इसका गोलाकार वाला जो साइज है उतना ही ऊपर भी रहेगा और ऊपर से नीचे तक एक समान ही व्यास रहेगा इसका। तो ऊपर से नीचे तक अगर एक समान ही व्यास है तो एक समान व्यास है तो वो यहां पे कहना चाह रहा है कि एक समान व्यास। तो यहां पे आपको फाइनली निकालना क्या है तो उसी तार का व्यास निकालना है, यानी पूरा अगर सर्कल होता है तो यहां से लेकर के यहां तक एक परिधि से दूसरी परिधि तक व्यास निकालना है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमें त्रिज्या का वैल्यू निकालना होगा। तो यहां पर तो पहले आयतन को इक्वल कर लेंगे, मान लेते हैं देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं कि पहले का आयतन अगर लेना है यानी छड़ का आयतन लेना है तो छड़ का आयतन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्यूब। तो पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर और सॉरी पाई आर स्क्वायर एच यानी ऊंचाई। और यहां पे भी तार का भी आपका क्या हो जाएगा, आयतन सेम ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, लेकिन दोनों का नाम सेम देना सही नहीं होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग है। तो इसके त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को H1 मान लेते हैं और तार की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं और एच की त्रिज्या को H2 आपका तार का ऊंचाई को H2 मान लेते हैं। तो इसके आधार पे चाहे उसी से फिगर बनाया गया हो चाहे जैसा भी बनाया गया हो, आयतन तो आपका इक्वल ही होगा, बीच में इक्वल दे दिए। अब यहां पे पाई का वैल्यू चाहे फिगर कैसा भी हो पाई का वैल्यू तो सेम ही होता है, तो पाई से पाई आपका कट जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पाई का वैल्यू पुट ना करें सिवाय टाइम वेस्ट के, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं आर स्क्वायर का, तो इसका आर कितना है, तो व्यास, ये अगर आपका व्यास कितना है तो व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को आधा को आधा ही तो कहते हैं ना हम लोग, यही तो आपका बेलनाकार बनता है इस तरह से आगे जाता है। तो यहां पे आर का वैल्यू अगर बात करें तो अगर पूरा 1 सेंटीमीटर है तो आधा कितना होगा, आधा होगा यानी 0.5 होगा। तो यहां पे आर का वैल्यू कितना लेना होगा, 0.5 लेना होगा, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद एच ऊंचाई कितना है इसका, 8 सेंटीमीटर लंबी है तो इनटू 8 हो जाएगा इक्वल टू, यहां पे आर स्क्वायर का वैल्यू, आपको आर का वैल्यू चाहिए तो आर स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं। अब यहां 2 लिखिए ना लिखिए, ये टाइम बचाने के लिए आप चाहे तो 2 को छोड़ भी सकते हैं। और एच 2 का वैल्यू कितना है, कितना मीटर लंबी तार है, तो 8 मीटर लंबी तार है तो इनटू 8 कर देंगे। लेकिन फ्रेंड यहां पे आपको ध्यान ये रखना होगा कि यहां पे देख रहे हैं कि सारा डायमेंशन सेंटीमीटर में है लेकिन ये तार आपका, तार का लंबाई मीटर में दे दिया गया है, तो मीटर में सॉरी 18 है, मीटर में दे दिया गया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। कोई भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहां पे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दे, तो यहां पे अगर देखा जाए तो 0.25, 8 से क्यों ना इसको काट दिया जाए, 8 से लेकिन पॉइंट हटाना यहां पे ज्यादा आसान था इसलिए 8 से काटना सही नहीं है, 1800 यहां पे पॉइंट हटाने में काम आएगा। चलिए अभी नहीं काटते हैं, अगला स्टेप में देखेंगे। इनटू 8 इक्वल टू कितना होगा, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां क्यों ना 1800 कर देते हैं, 1800 कर देते हैं। अब यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25/8 कितना होता है, देखिए यहां पॉइंट है, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 0.25 होगा। अब यहां पे जब गुना करेंगे 25 से तो 25/8 कितना होता है, 200 होता है। और चूंकि दो अंक के पहले पॉइंट है यहां पे, दो अंक के पहले पॉइंट है तो दो अंक के पहले यहां पे पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 × 8 डिवाइडेड बाई 1800 इक्वल टू आर स्क्वायर। आइए इसको छोटा कर देते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 × 2 = 16 और फिर से 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40, सॉरी यहां पे कुछ गलती हो रहा है, 8 × 16 और 8 × 5 = 40, 208 1800 बिल्कुल ठीक तो है। आठ से अगर काटे तो 8 × 16 हो गया, यहां बच गया 2,
से 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 2 से कटना चाहिए जी। चलिए देखते हैं क्या गलती हुआ, 2 से काट के देखते हैं, 2 × 9 = 18, फिर 4 से 4 × 2 = 8, 4 से 4 × 2 = 8, मिस्टेक कहाँ पे हुआ, 8 सेंटीमीटर लंबी तार है, चलिए 8 सेंटीमीटर लंबी तार ले लिए, यहाँ पे ये इसका S2 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1800 हो गया, बिल्कुल सही है। पाई आर स्क्वायर एच, स्क्वायर यहाँ पे दिए हैं, एच का वैल्यू ये है आपका 25, यहाँ पे तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 ही होगा, 25 × 8 कितना हो जाएगा 100, और 200 हो जाना चाहिए, हाँ 200 होगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आखिर मिस्टेक हो रहा है, तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए 100 दे देते हैं, तो बात तो बराबर ही होगा, 2/1800 × 100, 100 तो कट जाएगा, 20 अगर यहाँ पे है तो उसके बाद 2 से, हाँ आ तो गया, यहाँ पे कहाँ गलती कर रहे थे, 2 से 2 = 9 = 18, ओ सॉरी यहाँ पे 8 क्यों लिख दे रहे हैं हम, जब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ना, ये 8 और 25 को मल्टीप्लाई करने के बाद ना 2 आया है, यही गलती कर रहे थे। देखिए कैसा कैसा गलती होता है, 9 times में गया, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √1/900 आएगा, तो r का वैल्यू क्या आप कह सकते हैं, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 ही का, 900 किसका स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, यानी r का वैल्यू कितना आ गया, 1/30 आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपका उतना ही आएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ अगर 6 है तो 6 × 4 = 24, हाथ में बच गया 2, 6 × 4 = 24 और 6 × 6 = 36, 36, 37, 38, 38 में अगर 24 को जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12, हाँ अभी देखिए सही आ रहा है, उसके बाद 6 × 24, 6 × 36, यहाँ बच गया 6, 6 × 24 और 36, 306.3, ठीक है अभी सही है, वहाँ पे मैंने गलती से 7 लिख दिया था यहाँ पे, इसलिए ये मिस्टेक हो रहा था। तो खैर मल्टीप्लाई तो आप सभी का क्लियर ही होगा, हमें कॉन्सेप्ट समझना है आपका बेलन का, तो बेलन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं, क्यों लेस किए हैं इसको एक दूसरे से, क्योंकि ये पूरे के फिगर में से अगर अंदर वाला भाग का फिगर को अगर मैं लेस कर दूँ तो क्या बचेगा, जो मोटाई है इसका आयतन निकल जाएगा, तो इसलिए हमने लेस किया है, तो बस यही कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह हालांकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, मल्टीप्लाई में इस तरह का मिस्टेक कभी कभी हो जाता है अगर ध्यान इधर उधर नहीं रहता है तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड अब एकदम फ्रेश माइंड करके एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें मल्टीप्लीकेशन में गलती हो गया था, उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। हमें क्या करना है कि क्षेत्रमिति के कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल 462 cm² है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल सतह के क्षेत्रफल का 1/3 है, तदनुसार उस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। फ्रेंड देखिए यहाँ पे दो वैल्यू दिया गया है आपका, दो वैल्यू के बारे में बात किया जा रहा है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहा जाता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम लोग क्या करते हैं आधार का क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या बनता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ये वैल्यू दिया गया है, वैल्यू नहीं दिया गया है इसका लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, तो 2πRh होता है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πR² होता है, और ये दोनों को जब ऐड कर देते हैं, ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है कितना दिया गया है, तो 462 cm² दिया गया है।
लेकिन फ्रेंड यहाँ पे ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो ये फॉर्मूला लिखे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि ये कुल सतह का क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 है। तो कुल का क्षेत्रफल कितना है, 462 है। तो 462 का अगर 1/3 की बात करें तो 3 × 3 और 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 यानी कि 154 cm² आपका जो आएगा वो क्या आएगा आपका, तो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इसके जगह पे ये फॉर्मूला ना लिख करके डायरेक्ट हम 154 लिख सकते हैं। तो 154 का वैल्यू कितना है, 154 प्लस 2πr², चलिए यहाँ पे पाई का वैल्यू लिख ही देते हैं। हमें निकालना क्या है, तो उस बेलन की त्रिज्या निकालना है, तो बेलन का त्रिज्या यानी आर का वैल्यू निकालना है, तो 22/7 गुना आर का स्क्वायर, यही आर का वैल्यू आपको निकालना है, 462। तो यहाँ से अभी फिलहाल कुछ कट नहीं रहा है, तो 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 154 को अगर हम उधर घटाते हैं तो 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया 3। अब इसको चाहे तो आप अगर कट रहा है तो काट दें, चलिए काटते हैं हम लोग, 4 से अगर काटें 8 × 3 = 11, ये आपका 11 से भी कट जाएगा, तो 11 × 4 = 44, 11 से 11 × 22 और 11 × 8 = 88, 4 × 4 = 28, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपका, तो 7 × 7 = 49 आ गया। इस आधार पे आर का वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आएगा, √49, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना इधर, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आर का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, 7 cm। तो उम्मीद करते हैं कि बेलन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शंकु से रिलेटेड। अब देखते हैं कि शंकु से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट आप लोग सीखते हैं, आइए देखते हैं। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो 5 आपके स्क्रीन पे, ये शंकुआकार है, एक शंकुआकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2.5 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर तिरछा ऊंचाई है उसका, यानी ये अगर मैं बात करूं कि ये आपका एक पहाड़ है, एक पर्वत है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, ये दिया गया है 2.5 किलोमीटर, और ये जो आपका सर्कुलर पार्ट होता है इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, तो क्षेत्रफल 1.54 किलोमीटर दिया गया है। तो अगर आधार का क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है शंकु में, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1.5 किलोमीटर दिया गया है, 1.54। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना है, 1.54 है। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट को हटा करके नीचे में 100 ले लेते हैं, क्लियर है ना, नीचे में 100 ले लेते हैं ताकि काटने में आपका आसान हो जाए। तो अगर इसको काटा जाए तो 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44 होता है, 2 × 7 = 12 यानी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया, तो 49/100, तो आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 7/100, 7/10, चूँकि अंडर रूट चढ़ेगा तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का, और ये किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है, यानी 0.7 आपका आर का वैल्यू निकल गया। अब आर का वैल्यू निकल गया तो आपको निकालना क्या है, तो पर्वत का ऊंचाई निकालना है, ये आर का वैल्यू निकल गया यानी कि 0.7 इसका वैल्यू निकल गया। ऊंचाई मतलब क्या कि यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू निकालना है, सिर्फ ये पूरा फिगर को ख़त्म कर दें, सिर्फ इसकी अगर मैं बात करूँ तो क्या ये समकोण त्रिभुज है, ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, तो अगर इसका ऊंचाई निकालना है तो समकोण त्रिभुज में अगर ये वाला लाइन निकालना है तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट 2.5 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस आधार का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर दें तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 और पॉइंट एक अंक के बाद है, यानी कि स्क्वायर जब चढ़ेगा तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, पॉइंट एक अंक के बाद है, तो यहाँ पे कितना अंक के बाद हो जाएगा, 2 अंक के पहले यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 5, यानी 5.76, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 2.4 का,
2.4 का स्क्वायर होता है। अगर इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ ले कि ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब जब 100 आ रहा है तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, 24 बाहर निकला। 100 किसका स्क्वायर होता है तो 10 का, यानी आपका वैल्यू कितना आ गया तो 2.4। 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए शंकु और बेलन दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ शंकु में मैंने बताया था कि 1/3 लग जाता है फॉर्मूले में आयतन में, बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसका सेम ही होता है। तो इसमें लगभग लगभग क्वेश्चन आपको एक जैसा दिखाई देगा, चाहे वो शंकु हो या बेलन हो। देखिए क्या कहता है, दो शंकु के आयतनों का अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है, तथा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, तो 1:2 है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके आयतन का अनुपात। देखिए यहाँ पे एक आयतन 2 है और एक आयतन 3 है, तो ये छोटा वाला आयतन है और ये बड़ा आयतन है। तो यहाँ पे छोटा और बड़ा इसलिए बोले कि यहाँ पे अगर इस वाले आयतन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो छोटा है तो छोटा आर हम लोग दे देते हैं आर स्क्वायर एच, सिर्फ समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये तो हो गया आपका। अब बड़े वाले का आयतन कितना दिया गया है, तो 1/3 पाई, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं ताकि बड़े वाले का आयतन का त्रिज्या पता चल सके और बड़े वाले आयतन के ऊंचाई का पता चल सके। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला सेम ही है। और इसका अनुपात दिया गया है कितना, 2/3 दिया गया है। अब यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, तो त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो दोनों साइड एक से अगर गुना करते हैं हम, तो एक को x मान लेते हैं, x गुना 1 x ही होगा ना, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले का त्रिज्या कितना मान लिए x, और दूसरे का त्रिज्या कितना मान लिए, 2x मान लीजिए। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू किसका चाहिए, तो दोनों के त्रिज्याओं का, दोनों के ऊंचाई का अनुपात। तो जिस रेशियो, जिस हिसाब से आपका ऊंचाई दिया गया, आयतन दिया गया है, और जिस हिसाब से आपका त्रिज्या दिया गया है, यानी छोटे वाले का पहले और बड़े वाले का बाद में, छोटे वाले का पहले और बड़े वाले का बाद में, तो उसी हिसाब से छोटे वाले का पहले यानी h, स्मॉल h बाई h का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इस तरह से एक साथ पुट करने से फायदा क्या होता है कि यहाँ से ये दोनों काटना आसान हो जाता है, पाई से पाई कट गया। अब यहाँ पे बस वैल्यू आपको पुट कर देना है, छोटे वाले आर का वैल्यू हमने क्या माना है, त्रिज्या क्या माना है, एक्स माना है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच डिवाइडेड बाई बड़े वाले का त्रिज्या कितना माने हैं, 2x माने हैं, तो 2x का स्क्वायर और एच के लिए कैपिटल एच दे दिए। इसका वैल्यू हमें पता है कि 2/3 है। अब यहाँ पे ये पूरे पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स ही स्क्वायर रहेगा, और कैपिटल एच दे दिए, इसका वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो आपका कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इधर कितना है, 4 है, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, एच बाई एच हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सब को उधर ले जाएंगे, तो 4 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2×4 हो जाएगा, और यहाँ 3 पहले से है, इधर कुछ नहीं बचा, एच के बगल में कुछ बचा है क्या, छोटा एच बचा है, तो छोटा एच तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 1 हमने नहीं लिखा है, तो ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4×2 8/3, तो आपका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, तो 8:3 आपका रेशियो निकलेगा किसका, तो इनकी ऊंचाई का रेशियो 8:3 यहाँ पे आंसर होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, एक्सक्लूड मतलब वो जो मल्टीप्लाई करने में गलती हुआ होगा, वो अभी भी मेरे माइंड में चल रहा है कि ऐसा गलती कैसे हो गया मल्टीप्लीकेशन करने में। छोटा मोटा चीज़ ही है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि चले भाई मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया, होता है कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। जो कॉन्सेप्ट समझना है आपको क्षेत्रमिति में, उसको समझते हुए चलिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने वो मल्टीप्लीकेशन को छोड़ा अगर साइड कर दिया जाए, तो क्षेत्रमिति का मैंने जो भी सेपरेट रूल आपको बताया है कि आपको समझ में आया है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में या आपका भी माइंड डिस्टर्ब हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में लिख करके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल फिर से हम लोग हाजिर होंगे नए नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।